हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द न्यू सेशन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन सी अर्चन डीएनए व्हिच इज डबल स्ट्रैंडेड, 17% ऑफ द बेसिस वर शोन टू बी साइटोसिन। The percentage of the other three bases expected to be present in this DNA are. तो इन इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि जो सी अर्चन है, सी अर्चन एक ऑर्गेनिज्म है विच बिलोंग्स टू इकाइनोडर्मा फाइलम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और 17% यानी कि 70% जो बेस है वो साइटोसिन है। तो पूछा है कि बाकी जो बेसिस है उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, यानी कि एडिनोसिन, ग्वानिन और थाइमिन का कॉम्पोजिशन क्या होगा या परसेंटाइल क्या होगा उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अब हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि जो डीएनए है, ठीक है, वो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो कॉम्पोजिशन है साइटोसिन की, वो परसेंटाइल है साइटोसिन की, वो 17% यानी कि 17% है। तो अब हम यहाँ पर हमने इनको मार्क कर दिया है। ठीक है, तो साइटोसिन जो है वो है हमारी 17%। ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बच्चों, अगर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है हमारा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक स्ट्रैंड के बेसिस जो होते हैं वो दूसरे स्ट्रैंड के बेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। अब यहाँ पर भी कुछ मेन रूल्स हैं जो कि हमारे जो कुछ इस प्रकार हैं कि एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ सामने वाले स्ट्रैंड के हमेशा थाइमिन के साथ ही पेयर बनाता है, जबकि ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। ओके, तभी तो कहते हैं ना बेस पेयर्स। तो ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है, ये की पॉइंट था। ठीक है, और जो चाकोफ रूल है उसके अकॉर्डिंग एक जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे। और ये किस आधार पे है, क्योंकि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। तो ये बातें हमें अपने दिमाग में रखनी है। तो अगर हम यहाँ पर साइटोसिन की बात करते हैं, तो अगर साइटोसिन जो है हमारा वो 17 यानी कि 17% है एक डीएनए में, तो डेफिनेटली जो ग्वानिन होगा उसकी परसेंटाइल भी 17% ही होगी, क्योंकि 17% बेस जो होंगे साइटोसिन के वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ पेयर बना रहे होंगे ग्वानिन के। तो जितने ग्वानिन उतने साइटोसिन। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हमें एक आंसर मिल गया, 17% हमारे पास ग्वानिन है। तो अब हम क्या करेंगे, सी प्लस जी, तो यानी कि 17 प्लस 17 कितना हो गया, 17 प्लस 17 ये हो गया हमारा 34। तो टोटल परसेंटाइल हो गई 34। तो अब हम क्या करेंगे, अब टोटल परसेंटाइल कितना है, 100% है, 100 में से हम 34 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, 66। तो ये जो कॉम्पोजिशन बचा है 66 जो परसेंटेज है वो एडेनिन और थाइमिन की है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे और जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, और इस टाइप के क्वेश्चन आप इसी एक पॉइंट से, एक की पॉइंट से याद रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जोड़ घटाना है और कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास जो कॉम्पोजिशन बची है वो बची है 66%। तो अब ये कितने हैं, दो हैं, तो 66/2 इज इक्वल टू 33। तो यानी कि 33% एडिनोसिन,
और 33% हमारा हो गया थायमिन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कॉम्पोजिशन। तो अब हम बात कर, अब देख लेते हैं कि सबका कितना कितना कॉम्पोजिशन आ रहा है। तो साइटोसिन, तो ये जो साइटोसिन है ये है हमारा 17%, गुआनिन जो है वो भी 17%, एडिनिन 33%, और थाइमिन भी हमारा 33%। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारे को कंपोजिशन की बात पता चल गई। और अगर हम बात करें पिरिमिडिन और प्यूरिन का कितना कितना कंपोजिशन रहा यहाँ पर, तो ये कितना आ गया, 50-50 तो रहा, 50-50। ओके, तो अगर हम बात करें अपने पहले ऑप्शन की, यहाँ पे G17, एग्जैक्टली G17 ही है, लेकिन एडिनिन जो है वो 16.5 है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, G17%, 833% और T33%, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, G8.5, एडिनिन 50% थायमिन 24%, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्वानिन 34%, एडिनिन 24% और थायमिन 24%, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप उन्हें बस एक कंसेप्ट से याद रख सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितने साइटोसिन उतने ग्वानिन, और जितने थाइमिन उतने एडेनिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप नेट का एग्जाम देने बैठे हैं तो आप इजीली कर पाएं। उसके लिए ऑल द बेस्ट।